तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है एचएएल की तरफ से। एचएएल के जो सीएमडी हैं सीबी अनंता कृष्णन, उन्होंने एलसीए तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर कई सारी बातें कही हैं और कई सारी उम्मीदें भी जताई हैं। वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। दरअसल हम सभी जानते हैं कि अर्जेंटीना हो, मलेशिया हो या फिर इजिप्ट हो, इन तीनों ही देशों को हमने हमारे तेजस फाइटर जेट ऑफर किए हैं और इनके टेंडर में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग सभी जगह यानी तीनों जगह हमारे तेजस सभी कैटेगरी में फाइनलाइज कर लिए गए थे। मलेशिया की भी बात की जाए तो उसके टेंडर में आखिरी राउंड में केवल दो ही फाइटर जेट बचे हैं, साउथ कोरिया का FA-50 तो दूसरा भारत का तेजस। वहीं अगर बात की जाए अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना ने भी पहले से ही कह दिया है कि तीन फाइटर्स में से कोई एक खरीदेंगे, जिसपे F-16 है, चाइना का JF-17 है और भारत का तेजस है। इसी तरह की सिचुएशन कुछ क्रिएट होने वाली है इजिप्ट में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत का तेजस अभी तक बिका जरूर नहीं है, लेकिन फाइनल लिस्ट तक भारत का तेजस जरूर बचता है। तो इससे सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत का तेजस कैपेबल है, दुनिया का कोई भी फाइटर जेट जो इसके समकक्ष है उसकी तुलना में ये बराबर टक्कर दे रहा है। जबकि हम सभी जानते हैं कि ये हमारा पहला फाइटर जेट है और बिना किसी बड़े देश की मदद के हमने स्वतंत्र रूप से इसे बनाया है। केवल कुछ पार्ट्स खरीदे हैं जरूर, लेकिन उसे मदद नहीं कही जा सकती। इसके डेवलपमेंट की बात की जाए, स्पेशली डिजाइन की बात की जाए, तो वो संपूर्ण रूप से भारत ने खुद के स्तर पर तैयार की है और ज्यादातर महत्वपूर्ण पार्ट इसके खुद तैयार किए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि भारत की जो एविएशन स्किल है वो लाजवाब है। ऐसे ही उस दिन एचएएल की तरफ से ये खबर निकल कर नहीं आई थी कि जो तेजस मार्क 2 होगा उसके लिए 16 कंट्रीज इंटरेस्टेड है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इन सब के पीछे कारण वही है, आपके फाइटर जेट की कैपेबिलिटी। इवन हम लोग एचएएल को कोस भी चुके हैं कि तेजस फाइटर जेट की जो पीआर है वो लगभग की ही नहीं गई है। उसके बावजूद अगर तेजस मार्क 2 को 16 देश इंटरेस्ट देखते हैं तो कहने का मतलब ये बहुत बड़ी बात है बिना किसी एडवर्टीजमेंट के। तो अभी अनंता कृष्णन जी ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में हम लोग पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे किसी एक ऑर्डर को पूरा करने के लिए। जी हाँ, यानी उन्हें बहुत उम्मीद है कि इन तीन कस्टमर्स में से किसी न किसी को हम लोग तेजस बेचने में कामयाब होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अनंता कृष्णन जी ने मलेशियाई टेंडर को लेकर बहुत बड़ी बात की है और काफी चौंकाने वाली बातें की है। जो चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ एग्जैक्टली उन्हीं चीजों को उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि अभी केवल साउथ कोरिया के मीडिया के अनुसार उन्होंने FA-15 जो साउथ कोरिया का फाइटर है उसका चयन किया है। ऑफिशियली अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ है, यानी जो हमारा तेजस है वो अभी भी कॉम्पिटिशन में बना हुआ है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर चलिए मान लीजिए कि मलेशिया का FA-50 वो सेलेक्ट कर भी लेते हैं तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा इशू आने वाला है और वो इशू आएगा प्राइस को लेकर, और प्राइस यहां पर बहुत मायने रखती है। मलेशिया जैसे देश के लिए किसी भी चीज की प्राइस काफी ज्यादा मायने रख सकती है और ऐसी परिस्थिति में नेगोशिएशन बिगड़ सकते हैं। आगे अनंता कृष्णन जी बोलते हैं कि रिसेंटली मलेशिया की एयरफोर्स ने वहां के वित्त मंत्रालय को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंपी है और इसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता कि उसमें कौन से फाइटर्स के लिए क्या बातें कही गई है। तो यहां पर अभी बहुत सारी उम्मीदें बचती है कि भारत का एलसीए तेजस भी इस कंपटीशन को जीत जाए, क्योंकि बाकी की जो सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं वो लाजवाब है। HAL की एक फैसिलिटी वहां पर खोल दी गई है, साथ ही हम लोग Su-30 MKI को भी मेंटेन करने के लिए तैयार है उनके। और जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो आ रही है ब्रह्मोस NG को लेकर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कुछ विदेशी मीडिया आउटलेट्स इस बात की उम्मीदें जता रहे हैं कि भारत ने चूंकि मलेशिया को ब्रह्मोस NG भी ऑफर की है और ब्रह्मोस NG वो अपने Su-30 MKI में तो इस्तेमाल कर ही सकता है, बिना किसी मॉडिफिकेशन के एक साथ तीन तीन मिसाइलें कैरी करवा सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ तेजस के साथ भी ब्रह्मोस NG का कॉम्बिनेशन परफेक्ट होगा और इसी वजह से मलेशिया भारत की ब्रह्मोस NG में खासा इंटरेस्टेड भी है। तो मैं भी कि यहाँ पर किसी तरह की बातें बन जाए। आगे अनंता कृष्णन जी ने कहा कि जो अर्जेंटीना का प्रतिनिधि मंडल आया था उन्होंने HAL की फैसिलिटी का पूरा मुआयना किया, कहाँ कहाँ पर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, किस तरह से करते हैं, इन सारी चीजों को देखा और उन्होंने भारत की क्षमताओं को समझते हुए भारत की क्षमताओं से खुश होने की बात कही। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी खासी उम्मीदें हैं। जो अर्जेंटीना बदलाव चाहता है, जो UK वाले पार्ट्स निकालने की बात वो कर रहा है, वो भी काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है, इस तरह की बातें कही गई है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा भरोसा उन्होंने जताया वो जताया गया है इजिप्ट को लेकर। हम सभी जानते हैं यार कि इजिप्ट और भारत की जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो ऐतिहासिक है और इस समय अगर बात की जाए तो भारत का सारा ध्यान इजिप्ट पर ही होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इजिप्ट को 70 से 80 की संख्या में तेजस जैसे फाइटर जेट चाहिए, यानी लिफ्ट वेरियंट वाले। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इजिप्ट को कहा है। उन्होंने कहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर भी साउथ कोरिया के साथ भिड़ंत हो सकती है, लेकिन इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं। तो अनंता कृष्णन जी की जो सारी बातें थी
तो उसमें से अगर दो पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए तो वो एक मलेशिया के टेंडर को लेकर और दूसरा इजिप्ट के टेंडर को लेकर। यानी वो अभी भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए हैं और उम्मीदें ऐसी नहीं हो सकती, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, तो उनकी उम्मीद है कि अभी भी मलेशिया में बाजी पलट सकती है। और रही बात इजिप्ट की, तो सारा फोकस इस समय हमारा एचएएल इजिप्ट के ऊपर करेगा, इस तरह की चीजें देखने के लिए मिली है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।